गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। AKM इलेक्ट्रिकल HVAC में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे सीरीज टेस्टिंग लैंप कैसे बनाया जाता है, यानी कि सीरीज बोर्ड कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार वो बनाया जाएगा, कैसे उसमें टेस्ट होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये टेस्टिंग लैंप का जो है वायरिंग डायग्राम है, यानी कि सीरीज का वायरिंग डायग्राम है। ठीक है, तो सीरीज के वायरिंग डायग्राम में कौन कौन से इक्विपमेंट है, यहाँ पर देखिए, एक जो है हमारा सॉकेट है और स्विच है। ठीक है, ये हमारा लाइट है और ये जो हमारा MCB है जो 6 एम्पियर का है। ठीक है ना, यानी कि 13 एम्पियर का सॉकेट और स्विच, और ये हमारा लाइट है। ठीक है, ये जो हमारा है ये लाइट, ठीक है, ये लाइट है और ये जो हमारा MCB है, और यहाँ से अर्थ, ये फेस और ये न्यूट्रल सप्लाई आ रही है। देखिए सीरीज बोर्ड क्यों बनाया जाता है, सीरीज बोर्ड बनाया जाता है कोई भी इक्विपमेंट को चेक करने के लिए, मतलब अगर खराब हो तो अगर उसको एक बार उसको पावर दिया जाता है, पावर देने पे उसको चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये खराब है अगर लगाइएगा ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए पहले उसको चेक किया जाता है। तो चेक कीजिएगा कब, सीरीज बोर्ड बना के सीरीज में ही चेक किया जाता है। ठीक है, जब सीरीज में चेक कीजिएगा तो ऐसा आपको एक सीरीज का बोर्ड बनाना पड़ेगा जो हम इसका डायग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सीरीज का बोर्ड जो है बनाना पड़ेगा और उसके डायग्राम में जो है हम लोग कैसे कैसे कनेक्शन किए हैं ये आप देखिए। फर्स्ट में देखिए, कहीं भी सीरीज बनाना हो, चाहे किसी का भी सीरीज बनाना हो, कैसे भी कोई भी बोर्ड का सीरीज बनाना हो, तो आप फर्स्ट में ये जो है मेथड जो डायग्राम दिया हुआ है उसको ध्यान रखिएगा। वायर और कॉलर कोड से कहीं लेना देना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन डायग्राम जैसा है वैसा अगर आप वायर जोड़ते हैं, यानी कि वायर को कनेक्शन करते हैं, तो हर चीज आपका सही होगा। मेन है डायग्राम, मेन डायग्राम देखना है, डायग्राम से ही पूरा जो है इलेक्ट्रिकल और AC का, इलेक्ट्रिकल का, टेक्नीशियन का, कंट्रोल का, स्टार डेल्टा जो भी है, टोटल डायग्राम पर। डायग्राम एक बार आपको समझ में आ गया, समझिए कि कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हम सीरीज का डायग्राम बनाए हुए हैं, ये हमारा सीरीज का डायग्राम है। तो सीरीज के डायग्राम में कैसे पावर सप्लाई है ये पहले देखिए। यहाँ पर जो है हमारा न्यूट्रल है, ठीक है ना, ये न्यूट्रल आ रहा है हमारा, ठीक है, न्यूट्रल पावर सप्लाई है, ये भी न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल ऐसे आके हमारा सॉकेट के एक पिन में आके लग जाता है। ठीक है ना, अब देखिए अर्थ जो है, अर्थ जो है सीधा हमारा ये आ रहा है, ये अर्थ, ठीक है, ये इधर से आएगा, यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ पर सॉकेट में एक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी एक हमारा सिंगल पोल का स्विच है। ठीक है, इस सॉकेट में ही सिंगल पोल का स्विच हमने लगाया है। ठीक है, जिसको ऑन और ऑफ करेंगे तब इस सॉकेट में पावर सप्लाई आएगा। अगर इस सिंगल पोल सॉकेट का अगर आप वायरिंग डायग्राम नहीं जानते हैं तो इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पर ये हमारा लैंप है, अब देखिए इसका पावर सप्लाई कैसे आता है। देखिए फेस जो है, फेस से पावर सप्लाई हमारा MCB में आ गया, यानी कि ब्रेकर में आ गया। ठीक है, अब ब्रेकर को जब ऑन करेंगे तो ये इसमें टच होगा। ठीक है, जब इसमें टच हो जाएगा ये, तो हमारा पावर सप्लाई जो है लैंप के एक पॉइंट पर आएगा। ठीक है, लैंप के एक पॉइंट पे, यानी कि एक पॉइंट से होते हुए फिलामेंट से गुजरते हुए आउट होगा और फिर ये हमारा फेस पर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पर सीरीज का कनेक्शन रेडी है। ठीक है, अगर आप इसमें चाहेंगे तो इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जब अब देखिए आपको कोई भी टेस्ट करना होगा ना, तो यहाँ पर स्विच है, इसको ऑन कीजिएगा। ठीक है, ऑन कीजिएगा, क्योंकि देखिए बाहर बाद में इसमें जो है, एक बार आप ऑन कर दिए इधर जो है ऐसे रहेगा, आप टेस्ट दिन भर करते रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन ये स्विच जो है ऑन ऑफ करते हैं, जैसे कहने का मतलब है ये अगर शॉर्ट सर्किट, जब अगर कोई भी इक्विपमेंट अगर खराब है, जैसे अगर मोटर को भी चेक करना है, अगर मोटर जली हुई है तो ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए। लेकिन जब ये सीरीज में ये एक न्यूट्रल एक में फेस अब लगाइएगा, तो अगर वो खराब होगा ना,
तो ये हमारा लाइट जलेगी, ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमारा फेस जो है इस लाइट से घूमते हुए यहाँ पर आ रहा है, न्यूट्रल जो है यहाँ पर डायरेक्ट है, तो इससे हमारा जो है शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, मतलब चेक करने के लिए कहीं भी अगर चेक किया जाता है, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं भी है, अगर कोई भी इक्विपमेंट खराब है तो आप सीरीज से उसको चेक कर सकते हैं ये सही है या गलत है। तो सीरीज वोल्ट बना के देखिए, सीरीज वोल्ट बनाने का अलग अलग तरीका है। ऐसा सीरीज वोल्ट आपको गल्फ में मिलेगा, यानी कि विदेशों में जो काम करते हैं वो ऐसा सीरीज वोल्ट मिलेगा। सीरीज वोल्ट का और भी कई क्वालिटी है, ठीक है ना, कई प्रकार से बनाते हैं, तो सीरीज वोल्ट का कई क्वालिटी से बनते हैं, कई प्रकार से बनाते हैं, उसकी क्वालिटी भी कितने होते हैं, और उसके टाइप भी मेनी टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के फ्यूज होते हैं, सीरीज बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है। तो अगले में हम इंडिया में कैसे सीरीज बोर्ड बनाया जाता है अगले वीडियो में हम बनाएंगे, ठीक है ना। और जो भी ITI कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से, जो भी इलेक्ट्रीशियंस हैं, जो भी टेक्नीशियन हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you for watching my video.